अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आमिर रशीद और आप देख रहे हैं डिवाइन पेट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टैंडिंग सेडेशन। व्हाट इज एक्चुअली स्टैंडिंग सेडेशन, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कैप्टिव एनिमल्स एंड व्हिच प्रोसीजर्स वी कैन डू ड्यूरिंग स्टैंडिंग सेडेशन ऑफ एनिमल। स्टैंडिंग सेडेशन इज ऑल्सो कॉल्ड पार्शियली अवेकिंग एनिमल्स During anesthesia, you can say that. So, standing sedation is mostly used to facilitate the performance of diagnosis of illness, therapeutic procedures, or different minor surgeries, you can say that. Standing sedations have less complications over general anesthesia, specifically zebra जैसे complex animal के लिए standing sedation is always preferable. For the standing sedations, you can use different type of combination of drugs, but I recommend हमेशा वो combination को इस्तेमाल करें जिसका antidote आपके पास मौजूद हो। तो कम्बिनेशन में यू कैन यूज़ ज़ाइलाज़िन एंड कैटामिन कम्बिनेशन, ज़ाइलाज़िन विद बेटोफिनोल कम्बिनेशन। यू कैन ऑल्सो यूज़ मीरिटोमोडीन विद कैटामिन, डिटोमाइडीन विद कैटामिन फॉर स्टैंडिंग सेडेशंस। सो ज़ाइलाज़िन अगर आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, यू हैव टू बी नोटेड दैट 0.05 mg/kg पर आर टू 0.07 mg/kg/hour। ये डोज रखनी चाहिए विद द कम्बिनेशन ऑफ कैटामिन 2 mg/kg के हिसाब से। If you are using mirtomodine, जो कि मैं आज के इस प्रोसीजर में इस्तेमाल करूँगा, that is 0.08 mg/kg to 0.01 mg/kg per hour के हिसाब से, and ketamine will be 2.5 mg/kg। So guys, उम्मीद है कि आप सबको अपने जितने भी क्वेश्चन थे उनका आंसर मिल चुका होगा। चलिए अभी अपने चलते हैं फील्ड में और जाके आज का जो प्रोसीजर है वो करते हैं परफॉर्म। लेट्स गो इन द फील्ड। सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं ज़ेब्रा के इनक्लोजर पे। अब इसको लगाएंगे डार्ट। डार्ट हमने एनिमल को लगा दिया है, अब हम थोड़ा वेट करेंगे। अभी हम एनिमल को ज़रा रिलैक्स छोड़ेंगे, डिस्टर्बेंस कम से कम करेंगे ताकि इंडक्शन जो है वो जल्दी हो सके और एनिमल सेडेशन में जा सके। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आई एम गोइंग टू यूज़ द कम्बिनेशन ऑफ मीरिटोमोडीन एंड कैटामिन। सो इंडक्शन टाइम जो इस कम्बिनेशन में रहा है एनिमल में, डेट वाज अ 10 मिनट्स। अभी क्योंकि एनिमल स्टैंडिंग सेडेशन में है तो वी कैन गिव हिम असिस्टेंस, क्योंकि स्टैंडिंग सेडेशन में हमेशा एनिमल को असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम इसकी आँखों के ऊपर पट्टी बांध लेते हैं ताकि इसको डायरेक्शन दे सके। स्टैंडिंग सेडेशन में आपके पास टाइम बहुत कम होता है। दैट्स द रीज़न आई ऑलवेज इनकर्ज प्री प्लानिंग इन स्टैंडिंग सेडेशन, ताकि आप किसी भी डिस्टर्बेंस के बगैर प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर सकें। बाय यूजिंग दिस टेक्निक वी कैन डू सम क्लिनिकल एग्जामिनेशन विच कैन बी हेल्पफुल इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। और इसके अलावा होफ की ट्रिमिंग भी की जा सकती है, डेट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द इक्वाइंस, स्पेसिफिकली इन कैप्टिविटी।
So you can do some trimming and rasping of the hooves. Similarly, you can check the dental health of the animals. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब. कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.